अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक आदमी प्यास की शिद्दत की वजह से जन्नत में चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यास की वजह से कौन जन्नत में जा सकता है, तो आइए जानते हैं एक कहानी के जरिए। प्यारे बच्चों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक गुनाहगार शख्स एक जंगल से गुजर रहा था। प्यास की शिद्दत ने उसे बहुत परेशान किया। प्यास बुझाने के लिए उसने पानी तलाश किया तो उसे एक कुआं नजर आया। वो कुएं में उतर गया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर जब वो कुएं से निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास से बेताब है और प्यास की शिद्दत की वजह से वो गीली मिट्टी में मुंह मार रहा है। उस शख्स को ख्याल आया कि इस कुत्ते को भी प्यास की वजह से वैसी ही तकलीफ हो रही होगी जैसी कुछ देर पहले मुझे हो रही थी। कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए कोई डोल या बाल्टी भी उस शख्स के पास ना थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर कुएं से पानी किस तरह निकाला जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि उसने चमड़े के मोजे पहन रखे हैं, इन मोजों में पानी भरकर निकाला जा सकता है। वो अपने हाथों में मोजा लेकर कुएं में उतर गया। मोजे को पानी से भरकर उसने उसे मुंह से पकड़ा और दोनों हाथों की मदद से ऊपर चढ़ने लगा। अगर वो मोजे को हाथ से पकड़ता तो ऊपर नहीं चढ़ सकता था। लेकिन एक प्यासे कुत्ते की प्यास बुझाने के लिए उसने पांव में घिसने वाले मोजे को अपने मुंह से पकड़ लिया। प्यारे बच्चों, वो मुंह जिससे आदमी खाता पीता है, प्यारे प्यारे बोल बोलता है, बाहर निकलकर उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला को उसका कुत्ते पर रहम करने का अमल बहुत पसंद आया। अल्लाह ताला ने उस गुनाहगार की इसी नेक अमल की वजह से मगफरत फरमा दी। प्यारे बच्चों, एक गुनाहगार ने एक प्यासे कुत्ते पर रहम खाया तो अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम इंसानों से, खुसूसन बहन भाइयों अम्मी अब्बू से अच्छा सलूक करें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएं, और अल्लाह ताला को ये अमल कितना पसंद आएगा। प्यारे बच्चों, जब किसी को मुसीबत या परेशानी में देखें तो उससे कतराएं नहीं, बल्कि सोचें कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो अल्लाह ताला भी मेरी मदद करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला अर्रहमान और अर्रहीम है। अर्रहमान और अर्रहीम अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, यानी बहुत मेहरबान और बेहद रहम करने वाला। प्यारे बच्चों, हमारी अम्मी हमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। स्कूल से घर आते हैं तो फौरन हमारे लिए खाना लगा देती हैं, हमारे बिस्तर कपड़ों जूतों की फिक्र रखती हैं। हम परेशान होते हैं तो अम्मी भी परेशान हो जाती हैं। हमें बीमारी की वजह से नींद ना आए तो अम्मी भी सारी रात जागती रहती हैं, है ना। लेकिन हमारे अल्लाह ताला हमसे इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और बंदों में अल्लाह ताला को वो ज़्यादा महबूब है जो अल्लाह ताला की मखलूक से अच्छा सलूक करे। और प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज़मीन पर रहने वाले इंसानों और जानवरों पर रहम करेगा तो आसमान वाला भी उस पर रहम करेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या आप चाहते हैं अल्लाह ताला के पसंदीदा बन जाएं? तो फिर आज से आपने सब पर रहम करना है और दूसरों की मदद करनी है। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सुन सकें मेरी अगली दिलचस्प कहानी।